अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रदर्शन किया गया है। कॉलेज के गेट के बाहर एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान छात्र छात्राओं ने टायर जला करके गहरा आक्रोश प्रकट किया है और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है, एक साक्षी जो नाबालिग लड़की है 16 साल की, उसके ऊपर एक युवक जिसका नाम साहिल है, वो एक बालिग लड़का है, उसके ऊपर वो 20 से ज्यादा चाकू उसके ऊपर मारता है। उसके बाद चाकू मारने के बाद भी वो पत्थर से, बड़े पत्थर से कम से कम 4 से 5 बार उसके सिर पर वार करता है, जिससे उसके सिर के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मांग कर रही है कि जल्द से जल्द, गिरफ्तार तो कर लिया है कि लेकिन जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा सुनाओ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, मौसम का मिजाज बांसवाड़ा में बदला है और यहां पर तेज हवाओं का दौर चल रहा है। तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ों के गिरने की खबर मिल रही है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भी पेड़ गिर गए हैं, कई वाहन इससे क्षतिग्रस्त हुए हैं। उसकी सबसे पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान कई पेड़ गिर गए हैं, धराशायी हुए हैं तो काफी नुकसान भी हुआ है। ये बांसवाड़ा की तस्वीरें हैं, पेड़ गिरने से काफी नुकसान हुआ है, कई गाड़ियां टूट गई हैं। ये लगातार तेज रफ्तार से पेड़ और पोल के गिरने की खबर मिल रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।